हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्यूडीपाई नामक यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि डायरेक्टली हमारे इंडियन पीपल को गाली दे रहा है, हमारे इंडियन पीपल को मम्मल लैंग्वेज बोल रहा है। जैसे बच्चा थोथराता है, जैसे बच्चा रोता है, उस प्रकार से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके साथ ही साथ वो बोल रहा है हम सब भूखे और हम सभी को कुतिया का मांस खिलाया जाएगा। उसके साथ ही साथ हमारे देश में ब्रिटिश का भावना रहता है, जातिवाद का भावना रहता है, पूरा इस तरीके से हम सभी को बदनाम किया गया। मैं आप सबको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आप एक इंडियन हो तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है और आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे को शुरू से समझाता हूँ क्या हुआ शुरू से, जिससे आपसे को सभी गलत और सही का पता चलेगा, कौन सही है कौन गलत है, तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे को बता देता हूँ, कुछ साल पहले की बात है, जब एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है PewDiePie, तो उसका जो सब्सक्राइबर था अप्रॉक्स 50 मिलियन सब्सक्राइबर था, और उतने सब्सक्राइबर यूट्यूब पे किसी के भी नहीं थे। तो पूरा वर्ल्ड के टॉप 1 यूट्यूबर थे वो, और उससे पावरफुल इंसान यूट्यूब पे कोई नहीं था। तो हुआ ऐसा कि हमारा जो टीसीडी है, जो इंडिया की कंपनी, जो म्यूजिक कंपनी है, तो अभी का वर्तमान बात बताएं तो टीसीडी जो कंपनी है वो PewDiePie को क्रॉस करने वाली है, और अभी का जो सब्सक्राइबर PewDiePie का 71 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, और टीसीडी का 71 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। अभी 1.5-2 लाख का डिफरेंस है, अप्रॉक्स 1.5 लाख का डिफरेंस है। अगर 1.5 लाख क्रॉस कर जाते थे PewDiePie और टी सीरीज बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। तो इसी बात को अंग्रेज सब जो गोरे लोग होते हैं उनको जलन है, कैसे एक छोटा सा देश का कंट्री के लोग हमारे इंडिया को एक छोटा सा लोग समझते हैं, छोटा सा पीपुल समझते हैं, जो कि अनपढ़ गमार समझते हैं। उसको लगता है कि इंडिया का पीपुल आगे नहीं बढ़ सकता है, और वो लोग कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि छोटा सा कंट्री इंडिया है, उसका यूट्यूब चैनल जो टी सीरीज है वो पूरा वर्ल्ड में टॉप 1 कैसे बन सकता है। इसी बात का उनको जलन है, इसी बात का उसको जलन होने की वजह से वो अपना जो ऐड होता है सभी कंट्री में दिलवा रहे हैं। और मैं आपसे प्रूफ के साथ दिलाऊंगा, ये जो गाना गाया PewDiePie ने बीच लजानिया, वो गाना रियल का हम सभी के साथ मजाक नहीं है, रियल का हम सभी को मजाक बनाया गया, हम सभी को जलील किया गया पूरे कंट्री के सामने। आप सभी को लग रहा होगा ये मजाक है, तो ये मजाक मैं आपसे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ये एक मजाक नहीं था, हम सभी को जलील किया गया है। तो जितने भी इंडियन पीपुल, आपसे को इस बात को देख के बहुत ही बुरा लगेगा कि हम सब फॉरेनर, जो उतने भी फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग आते हैं, जब इंडिया आते हैं तो हम सब कितने मान सम्मान उनको देते हैं, कितने रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने हम सभी को कह रहे हैं मम्मल लैंग्वेज, जैसे बच्चा रोता है, जैसे बच्चा थुथराता है, वैसे हमारा लैंग्वेज है। सोचो कितना खराब बात उन्होंने कहा है। क्या इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं है? मैं बोल सकता हूँ इंडिया के ऐसे लोग है जो कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो कि फॉरेन कंट्री के जितनी अच्छी इंग्लिश नहीं है उतनी अच्छे हमारे इंडियन पीपल के हैं। उसके साथ ही साथ हम सभी को कह रहे हैं रेसिस्ट, जो कि हमारे देश में जातिवाद है। उसके साथ ही साथ कह रहे हैं मोटू पतलू, तो एक टीवी शो जो कार्टून बच्चे देखते हैं मोटू पतलू, तो उसके बारे में कमेंट किया जा रहा है क्या ये बकवास है मोटू पतलू। और इसके साथ ही साथ एक पोयम है जॉनी जॉनी यस पापा नो पापा, तो पापा वर्ड का जो यूज किया हम सभी ने, जैसे फैमिली में होते तो आप अपने पापा को बोलते पापा, या फिर अपने लैंग्वेज पिताजी बोलते हैं तो इस तरह का लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो पापा शब्द का कमेंट किया गया उन्होंने, पोयस पापा नो पापा। तो इस तरह का ऐसा मजाक बनाया गया कि लग रहा है कि यार इंडिया कुछ नहीं है, ऐसा उसको कहने का अर्थ है, इंडिया पूरा गरीब है, इंडिया पूरा इंसल्ट कर रहा है पूरा। और सबसे बड़ी बात, PewDiePie ने कह दिया कि हम सब भूखे हैं, इंडियन लोग भूखे हैं, और उसे खिलाया जाए कुतिया का मांस। तो बीच लजानिया का मतलब आप सबने सुना होगा गाना में, बीच लजानिया, तो बीच लजानिया का मतलब होता है कुतिया का मांस, और हम सब इंडियन लोग भूखे हैं, उन्हें खिलाया जाएगा कुतिया का मांस। तो आप सभी ने इस गाना को नहीं सुना तो मैं आपसे वो कुछ क्लिप दिखाता हूँ, जिससे आपसे को प्रूफ मिल सके कि जो PewDiePie नामक यूट्यूब चैनल है, और ये PewDiePie जो एक घमंडी इंसान है, उसको अपनी औकात दिखाना जरूरी है। मैं आपसे एक क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपसे को आइडिया मिल सके, तो देखो इस वीडियो को। India, you lose, so best think you haven't won. When I'm through with you, we're gonna be completely fucking done. Cause we only just begun. I review you, 0-5 is gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna. T-Series just whip himself in their pajamas. And he rolls the world to hold your defecation. Oops, multiple. What the fuck is that even supposed to mean? Your language sounds like it come from a mumble rap community. No papa, no papa, yes papa, Johnny, no.
now down all of the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at these series, they just crying for their mama. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-series ain't nothing but a bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-series, they just wet in their pajama. So, jaisa ki aapne is video mein dekha, usne keh raha tha bitch lasagna. और तुम सब इंडियन हो, तुम सब हारोगे क्योंकि तुम सब इंडियन हो. तो ऐसे कैसे हम सब हार सकते हैं? हम सब इंडियन, इसका मतलब हारेंगे क्यों? हम सब मेहनत नहीं करते हैं क्यों? हम सब किसी से जीत नहीं सकते हैं? तो सोशल बेट का मानना है कि अभी के टाइम में, कुछ ही टाइम में, जो यूट्यूब होता है, तीसरी जो कंपनी है वो प्यूडीपाई को बहुत जल्दी क्रॉस करने वाली है. प्यूडीपाई हमारा जो इंडिया कंट्री से वो हारने वाला है. तो मैं आपसे को बताता हूँ, अगर प्यूडीपाई को टी सीरीज से प्रॉब्लम था तो टी सीरीज को उसने मजाक में लिया, तो हम सब समझते चलो मजाक में लिया है, पर उसने इंडियन पीपल का मजाक बनाया. इंडियन पीपल को मम्मर बोलता है, इंडियन पीपल को बिच लजानिया कह रहा है, और इंडियन पीपल को क्या क्या नहीं कहा है. मैं आपसे को क्या क्या बोलूँ, बहुत कुछ उन्होंने कहा दिया है. और मैं एक इंडियन पीपल हूँ तो मुझे दिल में लग गया इस बात को. मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता, पर मुझे इस वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ. क्योंकि मेरा चैनल पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अगर प्यूडीपाई नामक यूट्यूब चैनल का जितने भी फैन हैं, अगर मेरे चैनल में प्रॉब्लम करता है, मुझे उसका कोई गम नहीं है क्योंकि मैं एक सच्चा इंडियन हूँ. और अगर मेरे इंडियन पे कोई भी आँच आता है, मेरे इंडियन पीपल के ऊपर कोई भी कुछ बोलता है, तो मैं उस पर विवाद खड़ा करूँगा और उसको रियल में बताऊँगा उसका औकात कितना है. तो अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जो प्यूडीपाई है उसने जो बिच लजानिया गाना को गाया है वो एक मजाक था. तो चलिए मैं आपसे प्रूफ दिखाता हूँ. करने के बाद अगर आप कैप्शन देखोगे इस गाना का, कौन कौन सा लैंग्वेज आप इस गाना को पढ़ सकते हो, तो देखो इंडिया में, पूरे दुनिया में जो भी लैंग्वेज बोला जाता है सभी लैंग्वेज भी इस गाना को आप पढ़ सकते हो. तो सोचो ये कितना माइंड का गेम खेला है, कितना हमको, हम सभी को इंसल्ट कर रहा है, पूरे यूनिवर्स में हम सभी को इंसल्ट कर रहा है और दिखा रहा है. देखो इंडिया को मैंने गाली दिया, इंडिया को मैंने इतना सारा चीज बोला, फिर इंडिया कुछ नहीं बोलता है. इंडिया एक गरीब देश है, इंडिया एक पुअर देश है, इंडिया एक अनपढ़ गंवार देश है, इंडिया एक मम्मल लैंग्वेज बोलने वाला देश है जो कि बच्चे के तरह थुथराता, वैसा इसका इंग्लिश है. इस प्रकार से उन्होंने हम सबको इंसल्ट किया है. अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं इस गाना का जो लिंक होता है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. और इसके साथ ही साथ मैं आपसे और भी कुछ प्रूफ देता हूँ जिससे आपसे पता चल सके कि जो प्यूडीपाई नामक यूट्यूब चैनल, प्यूडीपाई जो एक घमंडी इंसान है वो रियल में इंसल्ट करना चाह रहा है. दूसरा, अगर गाना को आप प्ले करोगे, मैं दूसरा गाना को प्ले कर रहा हूँ, प्ले करने के बाद अगर आप, मैं कैप्शन में जाता हूँ, देखो इसमें कोई अदर भी कैप्शन नहीं है जो अदर लोग इसको समझ सके. अदर लैंग्वेज वाले को कोई कैप्शन नहीं दिया गया, जैसे अदर कोई कंट्री होता है उसको समझने के लिए कुछ नहीं दिया गया. पर जो इंडिया को इंसल्ट किया गया जिस गाना में, होल यूनिवर्स में जितने भी लैंग्वेज बोले जाते हैं लघु में, सभी लैंग्वेज को कैप्शन में दिया गया है. तो इससे यही साबित होता है प्यूडीपाई ने एक मजाक नहीं किया था, प्यूडीपाई ने रियल में इस चीज को मजाक बनाया, हम सभी को इंसल्ट किया है और इसका सजा उनको नहीं किया था. प्यूडीपाई ने रियल में इस चीज को मजाक बनाया, हम सभी को इंसल्ट किया है और इसका सजा उनको मिलेगा. क्योंकि प्यूडीपाई ने हमारे इंडियन पीपल को, हमारे भारत माता में जितने भी हमारे भाई बहन है सभी को उन्होंने गालियाँ दिया है. तो यार हमारे इज्जत का सवाल है. अब तो आप कुछ अपना जुनून दिखाओ, अभी आप सभी को इसको अगर नहीं करते हो तो कोई भी कंट्री, अदर कंट्री भी आके हमारे सबको गालियाँ दे के चला जाएगा. क्योंकि आज प्यूडीपाई है तो प्यूडीपाई एक छोटा चैनल नहीं है. तो अगर आप सबको प्यूडीपाई से जीतना है, उन गोरों अंग्रेजों से जीतना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा जो कि है टी सीरीज को सपोर्ट करना. तो मैंने टी सीरीज जो कंपनी है उसका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यूट्यूब चैनल को उसका सब्सक्राइब करना है. तो टी सीरीज को आप जितना हो सके सपोर्ट करो. आपके पास 5 आईडी हो, आपके पास 10 आईडी हो, आपके भाई बहन चाचा जितने भी सभी के पास यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब आईडी है, सभी से जाके आपको टी सीरीज को सपोर्ट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा आपसे को टी सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. क्योंकि इंडिया का इज्जत का सवाल है तो आपको ये करना होगा और आपसी को गोरे व अंग्रेजे लोगों को औकात दिखा देना है कि हमारे इंडियन जो पीपल होते हैं उनमें कितना एकता है और वो क्या से क्या कर सकते हैं. तो अब वक्त है आपसी को दिखाने का, वक्त है आपको जागने का. तो आप जागो, आप उसको दिखाओ उन गोरे लोगों को कि इंडियन पीपल में कितना ताकत है और वो क्या से क्या कर सकते हैं.
तो आज मैं कोई एम नहीं रखूंगा कि इस वीडियो पे कितना लाइक होना है, तो जितना हो सके आप इस वीडियो पर लाइक करो, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, पूरा जितना ये यूट्यूब होता है सब में ये ट्रेंडिंग टॉपिक बना दो कि क्या किया PewDiePie ने, क्योंकि सच किसी को पता नहीं है और 60-70% पीपुल है जो कि पता नहीं उनको सच। अगर उनको पता रहता तो शायद PewDiePie नामक यूट्यूब चैनल से डिलीट हो जाता। इतना रिपोर्ट होता है कि यूट्यूब चैनल से वो हटक जाता, क्योंकि हमारे इंडिया का सवाल है, हमारे इंडियन पीपुल का सवाल है, वो एक टी सीरीज का सवाल नहीं, वो हमारे इंडियन पीपुल का भाई बहन सभी का सवाल हो गया। उन्होंने बहुत ही गंदा गालियां दिए हैं, तो जो करना आप करो, जितना हो सके इसको शेयर करो। तो मैं फिर तो अगले दिन के वीडियो साथ, गुड बाय एंड थैंक यू।